सॉरी बेटा, मैं तेरा एडमिशन नहीं करवा पाया। पापा उसमें आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपने कितनी कोशिश की, मेरे लिए मन्नत मांगी, इतनी गर्मी में स्वेटर पहना, प्रिंसिपल सर को भी मनाने की कितनी कोशिश की। अब मेरा एडमिशन नहीं हुआ उसमें आप क्या कर सकते हो? क्या हुआ, क्या कहा प्रिंसिपल साहब ने? एडमिशन हो गया ना? नहीं आती भाई, एडमिशन नहीं हुआ। प्रिंसिपल सर ने बोला कि एडमिशन फुल हो गए और वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अरे बहुत समझाया पर वो माने ही नहीं। समझ में नहीं आता अब घर जाकर दया को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसे इस बात का पता चलेगा तो बेचारी बहुत दुखी होगी। हमारे टप्पू इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, इतने सारे अवार्ड लेके आया है, अभिनय कितना अच्छा करता है, हर क्षेत्र में नंबर वन है मेरा दिल का, फिर भी कॉलेज वालों ने उसे एडमिशन नहीं दिया। हाँ जेठिया, तूने ये सब सर्टिफिकेट प्रिंसिपल को बराबर दिखाए थे ना? हाँ दिखाए ना बाबूजी, सब दिखाए। मैंने भीड़ और सोटी ने कितना समझाया अभी, लेकिन प्रिंसिपल सब मान ही नहीं रहे थे, बस एक ही बात कर रहे थे, सब सीट फुल हो चुकी है, फाइनल लिस्ट निकल चुका है, एडमिशन हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। पप्पू जी आपने मुझे रोका नहीं होता तो अब तक वो गोवर्धन भाई का जरिया एडमिशन हो गया होता। आज के जमाने में पहचान के बगैर कुछ नहीं हो सकता बापू जी। देख जेठिया, टप्पू तुझसे ज्यादा मेरा लाडला है, मैं भी यही चाहता हूँ कि टप्पू का एडमिशन एमके गांधी जैसी नंबर वन कॉलेज में हो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। लेकिन बापू जी सही रास्ते पे चल के हमने देख लिया, क्या हुआ एडमिशन नहीं मिला। थोड़ी जान पहचान का इस्तेमाल कर लिया होता तो अभी हमारे घर में खुशी का माहौल होता ना। जेठिया जब हमारे मन का नहीं होता तभी ऐसे नकारात्मक विचार ही आते हैं, ऐसे मौकों पर ही हमें अपने आप को संभालना होता है। अगर हम समाज में सुधार चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ती है, और उसमें तकलीफ आती है, लेकिन हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बापूजी बराबर कह रहे हैं, आखिर में जीत तो सच्चाई के राह पर चलने वालों की ही होती है। सच्चाई की जीत तो होगी तब होगी, अभी तो हमारी हार हो गई ना। देख जेठिया, अब जो हो गया सो हो गया, अब बार बार उसी के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब समझदारी इसी में है कि हम टप्पू का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा लें, वरना टप्पू का पूरा एक साल बिगड़ सकता है। पढ़ाई जरूरी है, कॉलेज नहीं। कोई बात नहीं टप्पू के पापा, शायद हमारे टप्पू के भाग्य में दूसरे कोई कॉलेज में जाना ही लिखा होगा। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। देख जेठिया, अब तू ये एमके गांधी कॉलेज में टप्पू के एडमिशन की कोशिश छोड़ दे। तू एक काम कर, तू भीड़े से मिल और उसे पूछ कि दूसरी कौन सी अच्छी कॉलेज। मम्मी पापा, कुछ नहीं किया, हमारी बाजू के सोसाइटी में रॉकी नाम का लड़का है ना, उससे 10th में सिर्फ 66% आए हैं। तो उसमें गड़बड़ क्या है? अरे पापा गड़बड़ ये है कि एम के गांधी कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया। हाँ और इस वक्त तो सारे सेल्स के घर पे मिठाई बांटने निकला है, यहाँ पर भी आएगा। हमारे टप्पू को 89% में भी एडमिशन नहीं मिला और रॉकी को 66% में एडमिशन मिल गया। वही तो मम्मी, ये गड़बड़ी समझ में नहीं आ रही है। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा, 66% में उसको एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल कैसे सकता है। टप्पू टप्पू, अरे हाय टप्पू, हाय फ्रेंड्स, हाय रॉकी, हाय रॉकी, हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो दादाजी। हाँ क्या बात है रॉकी, आज तो यहाँ? मैं सबके लिए मिठाई लाया हूँ, ये लीजिए खाओ। सुनो ले लो, मिठाई का क्या दोष? अरे अंकल लीजिए ना। नहीं हम दोनों आधा आधा खा लेंगे। थैंक यू बेटा। आज ये मिठाई वैसे किस खुशी में है बेटा? हाँ एक्चुअली मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, नाउ आई एम अ कॉलेज बॉय। यो हो हो, वाह वाह बेटा, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला? यहाँ के नंबर वन कॉलेज एमके गांधी में। टप्पू से ना तुम लोग भी वही जाने वाले हो ना, अब से मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा, हम सब मिलकर वहाँ धमाल करेंगे। रॉकी तुझे 66% आए ना? हाँ रॉकी यार, मुझे तो 89% में भी एडमिशन नहीं मिला। हाँ।
मुझे सिक्स सीरीज में कैसे मिल गया? क्या तुझे एडमिशन नहीं मिला? कहाँ यार? अरे तेरे पापा को बोला कुछ चक्कर चलाए। चक्कर मतलब तुम्हारे पापा ने कोई चक्कर चला के तुम्हारा एडमिशन करवाया? हाँ। क्या 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 चक्कर चलाया? एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, मैंने पापा को बोला कि मुझे एडमिशन चाहिए और उन्होंने करवा दिया। कैसा चक्कर चला ये उन्हें ही पता होगा। वाह बेटा, तुम्हारे पापा तो बहुत होशियार लगते हैं। क्या करते क्या तुम्हारे पापा? मेरे पापा बिल्डर है, वो बिल्डिंग बनाते हैं। उनका नंबर मिलेगा? क्यों, मेरे पापा को इस बारे में कुछ मत बताना प्लीज। उन्होंने मुझे किसी से भी बात करने से मना किया है। ये तो टप्पू मेरा दोस्त है इसलिए बता दिया। नहीं बेटा, इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है मुझे। वो मुझे तो एक फ्लैट खरीदना है इसलिए बात करनी है। हाँ बेटा। ओ अच्छा अच्छा, इसके लिए तो मेरे पापा ने मुझे कार्ड दे कर रखे है, ये लो। वाह वाह वाह, तो मैं चलूं? हाँ, अरे अरे बेटा बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे और भी कई जगह जाना है मिठाई बांटने। चलो बाय दीदे के। बाय 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 बेटा बाय। देखा बापू जी, देखा 66% में इसका एडमिशन हो गया, मेरा टप्पू कह रहा है। उसे 66% में एडमिशन मिल गया और हमारा टप्पू रह गया, इस बात का तुझे दुख हो रहा है? दुख तो होगा ही ना बापू जी। तो जरा सोच, अगर हम टप्पू का एडमिशन भी ऐसे गलत तरीके से करवाते तो दूसरे बच्चे जो ज्यादा लायक है उन्हें दुख नहीं होता? रॉकी के पापा को जरा फोन करके पता तो लगाइए कि ये 66% का चक्कर क्या है। हाँ वो तो पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल साहब तो मुझे साफ साफ मना कर रहे थे कि एडमिशन हो ही नहीं सकता, फिर इसका कैसे हो गया? हेलो हेलो खुराना जी। जी हाँ बोल रहा हूँ। मैं जटालाल गड़ा बोल रहा हूँ, मैं आपके बाजू में ही रहता हूँ, मतलब आपकी सोसाइटी के बाजू में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए। जरा काम था आपसे तो मिलना था, तो कब मिल सकता हूँ? सॉरी मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आप अगले हफ्ते मुझे फोन कर लीजिए, मिल लेते हैं चक्कर चला के। सुनिए सुनिए तो सही, मुझे वो थोड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मिलना था। अच्छा कितने का इन्वेस्ट करना है आपको? बजट ज्यादा नहीं है, 8-10 करोड़ है। ओहो ये तो बहुत बड़ी पार्टी लगती है। वैसे जेठा भाई मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन कल मिल सकते हैं चक्कर चला के। कल दरअसल चक्कर ये है कि कल मैं लंदन जा रहा हूँ, तो आज नहीं मिल सकता कुछ चक्कर चला के। ठीक है आ जाइए, मिल लेता हूँ आपको चक्कर चला के। मैं आपको एड्रेस SMS कर लेता हूँ। थैंक यू खुराना जी, थैंक यू थैंक यू। पहले तो बापूजी मिलने से मना कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पैसों का चारा डाला तुरंत राजी हो गया मिलने के लिए। तो मैं जाता हूँ उसको मिल के आता हूँ। वैसे कितना इन्वेस्ट करना है आपको, 8 करोड़ या 10 करोड़? देखिए आंकड़े को लेके मेरे को ऐसा वर्गण नहीं है, 8-10 की जगह 12 करोड़ भी कर सकता हूँ, खाली ये कह कि 2-3 साल में डबल हो जाना चाहिए। अरे हो जाएगा जेठा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, आप एकदम सही जगह पे आए। मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाऊंगा जहां आपके पैसे डबल नहीं ट्रिपल हो जाएंगे। आप बोले तो अभी प्रोजेक्ट दिखा देता हूं। मैं तो कह रहा हूं चलिए अभी चलते हैं। नहीं अभी नहीं आ सकता मैं, अभी क्या है वो मेरे बेटे का कॉलेज का एडमिशन का थोड़ा टेंशन है, वो एक बार हो जाए फिर देख लूंगा मैं। आजकल ये कॉलेज का एडमिशन का बड़ा लफड़ा है, 3-4 दिन से मगजमारी कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है। ओ, वैसे कौन से कॉलेज में ट्राई कर रहे हैं? ओ है ना एक नंबर 1 कॉलेज बताते हो, MK गांधी कॉलेज, अभी बेटे ने जीत पकड़ी है उसी में एडमिशन चाहिए, तो एक बार क्या एडमिशन हो जाए ना तो जान छूटे, फिर क्या शांति से धंधे में ध्यान दे सके ना। वैसे क्या बिजनेस करते हैं आप? ये जगह ले वेच, तो अगर एक बार अपना जम गया तो फिर बार बार परेशान करूंगा आपको। चलो फिर मैं निकलता हूँ, ये जाता हूँ फिर से, अभी कॉलेज के एडमिशन की भाग दौड़ में दौड़ा दौड़ी करनी पड़ेगी। वैसे जेठा भाई ये बात किसी से कहना मत,
एमके गांधी कॉलेज में पैसा खिला के एडमिशन हो सकता है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, एमके गांधी कॉलेज में। एमके गांधी कॉलेज में पैसे खिला के? हाँ, नहीं नहीं, एमके गांधी कॉलेज नंबर वन कॉलेज है, वहाँ ये सब नहीं होता है। अरे जेठा भाई, हर जगह सब कुछ होता है, बस पैसे का खेल है। पैसा फेंको, तमाशा देखो चक्कर चला के। वो बराबर है, लेकिन मैंने भी अपने तरीके से ये इस तरह की कुछ खबर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन सबने एक ही बात बोली कि एमके गांधी कॉलेज में पैसे खिला के कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, मैंने खुद अपने बेटे का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में पैसा खिला के करवाया है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, एमके गांधी कॉलेज में। हाँ भाई, एमके गांधी कॉलेज में पैसे खिला के। पैसा खिला के? अरे भाई, मेरे बेटे के सिर्फ 66% आए थे और उसने जिद पकड़ी थी कि जाना है तो एमके गांधी कॉलेज में ही जाना है। करवा दिया एडमिशन चक्कर चला के। अरे भाई साहब, तो अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे भी बताइए, कौन है ये, किसके जरिए एडमिशन कर सकते हैं? जैसे वहाँ एक लड़का है जिसका नाम है सेटिंग भाई। हाँ? वही ये सारी सेटिंग करवा लेता है, पैसा लेता है, लेकिन एडमिशन जरूर करवा लेता है चक्कर चला के। अरे जितना मांगेगा उतना पैसा मैं दे दूंगा। वैसे कितने पैसे लेता है वो? उसका कोई फिक्स रेट नहीं है, बस सामने वाले की गरज देखकर ही अपना भाव बोलता है। अच्छा, और अगर उससे मिलना हो तो कहाँ मिलता है वो? एमके गांधी कॉलेज के पीछे एक होटल है, उसके ठीक बगल में एक कैफे है, बस उसी कैफे में वो मिलेगा आपको। अच्छा, और उसको पहचानूंगा कैसे मैं? वो एकदम सिंपल है, उसके हाथ में 4-5 मोबाइल होते हैं और वो एक ही बंदा वहां मिलेगा आपको जो चाय और कॉफी मिक्स करके पीता है। चाय कॉफी मिक्स करके पीता है? फिर भी अगर आपको पता नहीं चला ना, तो कैफे वाले से पूछ लेना, वो बता देगा आपको। थैंक यू खुराना जी, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। ये एडमिशन का होते ही मैं आपको वापस मिलता हूँ। हाँ हाँ, जरूर। लेकिन जेठा भाई, ये सेटिंग भाई वाली बात किसी से कहना मत। नहीं नहीं, किसी को नहीं, शिवाय बापू जी के। ये क्या कह रहे है तू? ये सच है? हाँ बापूजी, खुद खुराना ने मुझसे कहा कि रॉकी का एडमिशन पैसों की सेटिंग से हुआ है। अब बताइए बापूजी, आजकल की दुनिया में सब ऐसे ही चल रहा है? एमके गांधी कॉलेज जैसे नंबर वन कॉलेज ऐसे पैसे खाकर एडमिशन देती है? बोलो, विद्या का व्यापार करते हैं लोग तो? अरे क्या हो गया इन लोगों को? अरे कॉलेज का नाम तो देखो क्या है, एमके गांधी कॉलेज। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाले गांधी जी के नाम पे कॉलेज है और उन्हीं के नाम के नीचे ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। मैं अभी हमारी सारी महिला मंडल को जमा करती हूँ और हम सब लोग मिलके एमके कॉलेज जाते हैं और गरबा शुरू करते हैं। जब तक वो लोग टापू का एडमिशन नहीं देते, हमारा गरबा आंदोलन चालू रहेगा। नहीं नहीं दया, इसमें गरबा करने से कुछ नहीं होगा। तो अब तूने क्या करने का सोचा है? तू भी पैसे खिलाकर टप्पू का एडमिशन करवाएगा? नहीं नहीं बापू जी, ये कौभांड में जो जो लोग हैं, उन सबके चेहरे मैं पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा और उसके लिए मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा कि ये शेटिंग भाई कौन है और एमके गांधी कॉलेज में ऐसा कौन है जिसके जरिए ये शेटिंग भाई अपना शेटिंग फिट कर रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को सबक सिखाऊंगा मैं। टप्पू के पापा, मैं आपके साथ हूं। हाँ पापा, टप्पू भी आपके साथ है। देखिए, तूने ये जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब तू करेगा कैसे? वो बापू जी, मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस काम में मुझे मेहता साहब की मदद लेनी पड़ेगी। फोन करता हूँ मैं उनको। हाँ जेठालाल बोलो, प्रिंसिपल साहब से हुई मुलाकात? क्या कहा उन्होंने? हाँ, वो प्रिंसिपल से तो मिला, लेकिन वो तो एक ही बात कर रहे हैं कि सॉरी एडमिशन फुल हो गया, एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर आप? वो प्रिंसिपल को छोड़िए मेहता साहब, अभी जो एक तड़कती फड़कती खबर मिली है वो आप सुनेंगे ना तो आप भी भौंचक के रह जाओगे। क्या 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 खबर, क्या ऐसी? अरे खतरनाक खबर है मेहता साहब। अरे पर खबर क्या है ये तो बताओ। पूछो ही मत, ऐसी खबर है ये। अरे यार नहीं बताना तो मत बताओ जेठालाल, मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं नहीं सुनिए, बता रहा हूँ।
सेटिंग भाई करके कोई आदमी है जो कम मार्क्स वाले विद्यार्थियों से पैसे लेके उनका एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों की वजह से टप्पू जैसे कई होनहार बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। कैसे लोग है ये, चंद पैसों के लिए माँ सरस्वती जी के मंदिर में ही लोचा लापसी कर रहे हैं। बोलो जेठालाल, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मेहता साहब, मैंने तो ठान ली है इस गोरख धंधे के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है उन सबके हाथ में मैं हथकड़ी पहनवा के रहूंगा। नहीं, वो तो ठीक है जेठालाल, लेकिन देखो इस मामले में बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। ये इस तरह के लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं जेठालाल, इसमें जोश के साथ होश से भी काम लेना होगा। इसीलिए तो इस जोशीले ने होशीले को फोन किया है। बताइए आगे कैसे क्या करना चाहिए। जेठालाल, सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी क्या है। बराबर, मतलब? मतलब ये जेठालाल के पता करना होगा कि इन लोगों के काम करने का तरीका क्या है। ओके। इन लोगों के ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल है। ओके। और ये सब पता लगाने के लिए तुम्हें उस सेटिंग भाई से मिलना होगा जेठालाल। ओके। एक ग्राहक बनकर जेठालाल, तुम सबसे पहले उस सेटिंग भाई से मिलो, ये कह के कि भाई तुम्हें तुम्हारे बेटे का एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन करना। तुम एक कस्टमर बनके उससे बात करोगे तो वो सारी बातें तुम्हें बता देगा। वाह वाह मेहता साहब, क्या नस पकड़ी है आपने, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, आप आ जाइए, अभी कभी जाते हैं और सेटिंग भाई से मिलते हैं, आ जाइए। अभी मैं ऑफिस में हूँ और मेहता साहब प्लीज ना मत कहना, ये मेरे टप्पू के भविष्य का सवाल है। प्लीज कुछ भी सेटिंग कीजिए लेकिन आ जाइए प्लीज। ठीक है जेठालाल, फिर एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली एमके गांधी कॉलेज पहुंचता हूं, तुम भी वहां पहुंचो। ओके, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ओके मेहता साहब आ रहे हैं, वो मुझे सीधा एमके गांधी कॉलेज मिल रहे हैं। वहां जाके हम सेटिंग भाई से मिलेंगे और पता लगाएंगे किस कौभांड के पीछे कौन कौन है और एक एक को चुन चुन के सजा देंगे। टप्पू के पापा, आप एक योद्धा लग रहे हैं। माता जी आपको सफलता दे। विजय बाबा। चलिए पापा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। टप्पू के एडमिशन के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है उसे टप्पू छोड़ेगा नहीं। नहीं नहीं टप्पू, मैं और मेहता साहब जा रहे हैं, वही ठीक है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। पर पापा। टप्पू। हाँ टप्पू बेटा, इस काम में थोड़ा खतरा भी है तो तू रहने दे। और हाँ जेठिया, तू भी ये सब संभाल के करना, बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बापू जी आपके आशीर्वाद मेरे साथ है, फिर किस बात की चिंता। दया, ये मिशन सेटिंग खात्मा बहुत ही खुफिया मिशन है, तो मेहरबानी करके इस मिशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है बापू जी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ यशस्वी बाबा। जा जेठिया, जा जाके सबका पर्दा फाश कर, ईश्वर इस नेक काम में तेरा साथ देगा। थैंक यू बापू जी, आज मैं सेटिंग भाई का सेटिंग बिगाड़ कर रहूंगा। मित्रों कहते हैं कि घायल शेर बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन घायल और व्यथित पिता उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। भाई टप्पू के एडमिशन को लेकर जेठालाल पहले से ही परेशान थे, और अब जब ये पता चला है कि एम के गांधी जैसे नंबर वन कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे लिए जाते हैं, तो जेठालाल सिंघम बन चुके हैं। भाई क्यों ना बने, असल में ये कोटा सिस्टम इसलिए है कि जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सके। लेकिन अब यहां भी भ्रष्टाचार, यहां भी करप्शन, लोग झूठे सर्टिफिकेट बनवा के इस करप्शन का फायदा उठा के इस कोटा सिस्टम से एडमिशन ले लेते हैं, और जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो रह जाते हैं, छूट जाते हैं। इसलिए अब जेठालाल बन चुके हैं सिंघम, और क्या हंगामे करते हैं सिंघम बन के, ये ठाकों के साथ देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.